इस फिल्म की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस से। अगर आप इस फिल्म के प्रीक्वल की कहानी देखना चाहते हैं तो इसके प्रीक्वल मूवी चाइना टाउन को हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दौर चल रहा है 1948 का। बिजनेसमैन जूलियस जेक बर्मैन एक प्राइवेट डिटेक्टिव के पास पहुँचा है। इसका नाम है जे जे जेक किट्स। जे जे जेक सीजनल इन्वेस्टिगेटर है। जूलियस जेक अपने वाइफ किटी के बारे में जे जे जेक से इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। वो जे जे जेक को किटी के होटल और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बताता है। वो कहता है कि अपनी वाइफ को दूसरे मर्द के साथ रंगे हाथों पकड़ना चाहता है। जे जे जेक इस केस को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद जूलियस जेक स्टिंग करना शुरू करता है। वो ये पाता है कि उसकी वाइफ का लवर और कोई नहीं बल्कि मार्क बॉडिन है। मार्क जूलियस जेक का रियल स्टेट डेवलपिंग कंपनी में पार्टनर भी है। वो गन लिए मोटल रूम में जाता है। यहाँ वो मार्क को शूट करके मार देता है। जे जे जेक इन सब से अनजान है, पर इस प्री मेडिटेटेड मर्डर में उसका भी नाम आने लगा है। जे जे जेक अपने आप को फंसा हुआ पाता है। इसकी वजह वायर रिकॉर्डिंग को जे जे जेक ने सेटअप किया था। इससे जूलियस जेक ने अपनी वाइफ और उसके लवर की ऑडियो को सुना। जूलियस को गुस्सा आया और उसने मार्क को मार दिया। ये सब कुछ उस ऑडियो में रिकॉर्ड भी हुआ है, पर इस ऑडियो से ये क्लियर नहीं हो पा रहा जूलियस जेक ने मार्क को मारने से पहले ही उसे मारने का इरादा बना लिया था या फिर उससे ये एक्सीडेंट हुआ था। अगर जूलियस जेक ने प्री प्लान करके मार्क को मारा तो वो मर्डर कहा जाएगा। ऐसे में उसे मर्डर करने की सज़ा मिलेगी, पर अगर उसने एक्सीडेंटली मार्क को मारा तो ये एक्ट ऑफ जेलसी बनता है, जो कि कोर्ट के टर्म में टेम्परेरी इंसैनिटी का केस बनता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जे जे जेक अपने पुराने साथी एलएपीडी कैप्टन लू एस्कोबार से मिला है। वो एस्कोबार को कन्विंस करता है कि उसे इस केस में चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। इधर जूलियस जेक को हम देखते हैं, उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे मर्डर का अपराधी ठहराया जा सकता है। जूलियस जेक का अटॉर्नी है कॉटन वेनबर्गर। जूलियस जेक का साथी भी है मिकी नाइस। ये दोनों जे जे जेक से मिलते हैं और कहते हैं कि इन्हें वो ऑडियो रिकॉर्डिंग चाहिए। ये रिकॉर्डिंग फिलहाल एलए ऑफिस के सेफ में रखी है, पर अर्थक्वेक की वजह से वो रॉक्ड है। जूलियस जेक का हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी अर्थक्वेक का शिकार हो रहा है। वहाँ भी सिस्मिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक गैस एक्सप्लोजन होता है। जे जे जेक इसमें ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है। जब वो उठता है तो देखता है कि जूलियस जेक और किटी उसके सामने खड़े हैं। जे जे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। इस कहानी में प्रवेश होता है लिलियन का। लिलियन मार्क की विडो है। वो जे जे जेक को कन्फ्रंट करती है। इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। वो जे जे जेक को अर्ल अरावली के बारे में बताती है। अरावली एक अमीर और विलनिश टाइप का कैरेक्टर है। वो ऑयलमैन है। वो मार्क और जूलियस जेक के प्रोजेक्ट में ड्रिलिंग कर रहा था। उसे वहाँ खुदाई से मिनरल्स मिलने की उम्मीद थी। जे जे जेक रावली को कन्फ्रंट करता है। वो उस पर बिना बताए ड्रिलिंग करने का आरोप लगाता है। रावली इन सब से इनकार करता है। अब जे जे जेक ने यह डिसाइड किया है कि उसे अपना फोकस इस केस में मिनरल राइट्स पर रखना होगा। वो जानना चाहते हैं कि आखिर इस लैंड के मिनरल राइट्स किसके पास हैं। अपनी छानबीन में ये पाता है कि इस लैंड के मिनरल राइट्स को कैथरीन ओन करती है। कैथरीन दरअसल एवलिन की बेटी है। फर्स्ट पार्ट में जे जे जेक और एवलिन की रिलेशनशिप थी। जे जे जेक ये भी पता है कि इस मिनरल राइट्स के डीड को कुछ ऐसे ट्रांसफ़र किया गया था जिससे कैथरीन के ऑनरशिप का पता ना चले और उसका इसके पर राइट रहे भी। अपनी छानबीन में जे जे जेक को ये भी पता चलता है कि कैथरीन के फादर नोआ क्रॉस की तभी डेथ हो गई थी। नोआ क्रॉस ने अपने सारे फाइनेंशियल एसेट्स को कैथरीन के लिए छोड़ दिया था। फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था कि नोआ क्रॉस कैथरीन का फादर ही नहीं बल्कि ग्रैंडफादर भी था। नोआ ने अपनी बेटी एवलिन का बलात्कार किया था, उससे कैथरीन पैदा हुई थी। इस तरह नोआ कैथरीन का फादर भी है और ग्रैंडफादर भी। इस तरह से कैथरीन अपनी माँ एवलिन की बहन भी है और उसकी बेटी भी। जे जेक को उसके एसोसिएट खबर देते हैं कि जूलियस जेक एक ब्लॉन्ड वुमेन की कंपनी में दिखाई दिया है। उसके साथ माइकी भी है और एक बॉडीगार्ड भी है। जे जेक ये जानकर सरप्राइज होता है। वो इसकी जासूसी करता है। वो ये पता है कि ये वुमेन एक ऑन्कोलॉजिस्ट है। वो जूलियस जेक का ट्रीटमेंट कर रही है। जे जेक यहाँ ये पाता है कि जूलियस जेक को वेस्ट के नीचे किसी पार्ट में कैंसर है। जे जेक जूलियस जेक को कन्फर्म करता है। यहाँ जूलियस जेक से जे जेक कहता है कि उसने उसके बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। यहाँ जूलियस जेक ये कन्फेस करता हुआ कहता है कि उसका कैंसर अब काफ़ी सीवियर हो चुका है। उसके पास अब जीने को ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। वो ये भी कहते हैं कि मरने से पहले वो मेक श्योर करना चाहता है कि उसके जाने के बाद किटी फाइनेंशियली सिक्योर रहे। जे जेक किटी से बात करना चाहता है।
ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि जूलियस जेक ने जो भी किया वो अपने पार्टनर को मारने के लिए किया था, ना कि किटी के लवर को मारने के लिए। किटी जे जेक से मिलने के लिए राजी हो जाती है। वो उसे मिलकर जूलियस जेक के बारे में बताती है। वो जूलियस जेक के पॉसिबल मोटिवेशन के बारे में बात करती है, मिनरल राइट्स के बारे में बात करती है। जे जेक उसे पूछता है कि कैथरीन इस समय कहाँ है, पर यहाँ ये रिवील होता है कि किटी ही दरअसल कैथरीन है। किटी तो कैथरीन का शॉर्ट नेम है। किटी ये रिवील करती है कि उसे अपने हस्बैंड के मरने के बारे में कभी भी नहीं पता था और ना ही उसके कैंसर के बारे में पता था। जे जेक अब रिकॉर्डिंग से इन सब के बारे में और भी पता लगाना चाहता है। अब वो जूलियस जेक के लिए सिंपथाइज भी करने लगा है। जे जेक इस रिकॉर्डिंग को एडिट करना शुरू करता है। किटी का नाम इस रिकॉर्डिंग से चॉप आउट कर देता है। वो इस रिकॉर्डिंग में और भी ऑल्टरेशंस करता है। इन सब के बाद कोर्ट में जब ये रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की जाती है, तब ये साबित होता है कि जूलियस जेक के द्वारा की गई हत्या प्रीमेडिटेटेड नहीं थी, वो एक्ट ऑफ जेलसी था। कोर्ट जूलियस जेक के सारे चार्जेस हटा लेती है। इन सब के बाद जूलियस जेक ये देखता है कि जिस मॉडल हाउस में वो है उसमें नेचुरल गैस फिल हो रही है। वो जे जेक और माइकी को यहाँ से जाने को कहता है। वो कहता है कि उसे कुछ टाइम के लिए अकेले में रहना है। इनके जाने के बाद वो धूम्रपान करना शुरू करता है। जैसे ही दोनों बाहर जाते हैं, ये घर एक्सप्लोड करता है। पुलिस इसे इन्वेस्टिगेट करती है, पर यहाँ कुछ भी नहीं बचा इन्वेस्टिगेशन करने को। किटी को अपने हस्बैंड के प्रॉपर्टी में मेजर पोर्शन मिल गया है। अंत के सीन में हमें जेजे जेक और किटी एक साथ उसके ऑफिस में दिखते हैं। ये पास में हुए इंसिडेंट्स पर रिग्रेट करते हैं। किटी जेजे जेक को किस करती है। जेजे जेक उसे रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है, तो मेरे लवर एवलिन की बच्ची हो। किटी जाते हुए कहती है, मेरे बारे में टाइम टाइम पर सोचते रहना। जेजे जेक इसे एक्सेप्ट करता है और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी नए मोड पर।